इटावा जिले में संचालित 480 स्कूली वाहनों में से 185 ऐसे वाहन हैं जो कि फिटनेस में फेल हो चुके हैं। उनको एआरटीओ विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड कर उनके वाहन स्वामियों को नोटिस थमा दिया गया है, जिससे बिना फिटनेस पास कराए ऐसे 185 फिटनेस फेल वाहन सड़क पर ना आ सके। आरटीओ ब्रजेश कुमार का कहना है कि जनपद में स्कूलों के अलावा निजी वाहन स्वामियों के द्वारा स्कूल से गाड़ियों का परमिट कराया गया था। जिले में ऐसे 480 वाहन हैं जिसके फिटनेस फेल वाहनों को लेकर आरटीओ का दावा है कि ऐसी कोई भी फिटनेस फेल वाहन सड़कों पर नहीं है। एआरटीओ ने बताया कि पिछले 5 दिनों में वो सड़क पर स्कूली वाहनों को बराबर चेक कर रहे हैं। वाहन जहां के तहां खड़े हुए हैं, फिर भी अगर कोई फिटनेस फेल वाहन बच्चों को लाते ले जाते पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूली वाहनों को स्कूल में संचालित हुई हैं, जिनका परमिट स्कूली वाहनों के लिए जारी हुआ था पहले, और फिटनेस फेल है, सारी वाहनों को कार्यालय से ब्लैकलिस्ट करवा दिया गया। 185 वाहने ऐसी हैं जिनको ब्लैकलिस्ट करवा दिया गया है, उनके ओनरों को नोटिस जारी की जा रही है और सोमवार तक सबको रिसीव हो जाएगी। स्कूल को लेकर के लगातार अभियान चलेगा, स्कूल और जग्गामार वाहनों के खिलाफ 30 तक लगातार अभियान चलेगा।